फ्रॉम सोनमार्ग। कल रात हम लोग टेंट में रुके थे, रास्ते के उस पर टेंट लगाया था। यहाँ पर 3 आदमी रहता है, तो वहाँ पर चाचा ने आके बोला कि यहाँ से ऊपर से रात को भालू आता है, इसलिए रात को हम वहाँ से टेंट उठा के यहाँ पर लगा दिए थे। वो लोग ने हमको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर रहने के लिए रात को, क्योंकि भालू का खतरा हो सकता है। और ये दोनों भैया भी है, हाय। ये चाचा जो है वो ये फैक्ट्री में काम करते हैं, ये खाद का फैक्ट्री है, और ये दोनों भैया भी यहाँ पर ही काम करते हैं। तो अभी हम लोग कारगिल के लिए निकलेंगे। यहाँ पर हम लोग रात में रुके थे और यहाँ पर हम लोग टेंट लगाए थे, लकड़ी भी जमा करके रखा था ताकि आग जला सके रात को। तो वैसा कुछ हो नहीं पाया। रात में हमको भालू दिखाने लेकर गया था चाचा ने वहाँ पर, तो वो फुटेज अभी आपको दिख रहा होगा। फुटेज उतना अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत रात हो चुका था, पर आपको समझ में आएगा कि वो भालू है और वो वहाँ पर बहुत सारा था। हम लोग रात में 3-4 भालू दिखा वहाँ पर, उसके ऊपर। तो आज सोनमार्ग से कारगिल जा रहे हैं। खतरा था यहाँ पर, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि इस इलाके में ना, क्योंकि कचरा फेंकते बाहर। भालू दो किस्म का होता है, एक भालू बहुत डेंजर होता है, इसका एक पंजे से खत्म करते हैं। जो बच्चे वाला आते हैं ना, बच्चे वाला भालू, वो खतरनाक है। वो सोचता है बस मेरे बच्चे को अटैक करेगा, ये सोच कर उसको मारता है, अटैक करता है। अगर जिंदगी रात और मिलेंगे, हाँ जरूर 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 मिलेंगे। चलो सर, आराम आराम से। लगेज इतना हो गया, पहले इसको बैठना पड़ता है, फिर मैं बैठता हूँ गाड़ी में। हाँ वही तो। बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो निकलते हैं यहाँ से। सामने से हम लोग ऊपर जाएंगे टूवर्ड्स जोजिला पास। कल हम लोग सोनमार्ग टाउन क्रॉस करके नीचे आए थे सिन रिवर के सामने कैंप करने। कल रात हम दोनों ने भालू भी देखा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, राइट साइड में, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। कश्मीर जगह जितना सुंदर है, यहाँ का लोग भी उतना ही अच्छा है। दे आर वेरी काइंड एंड वार्म हार्टेड पीपल। कल रात अगर वो अंकल लोग नहीं आते तो पता नहीं हम लोग के साथ क्या होता। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं टूवर्ड्स जोजिला पास। देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है, ये पूरा बर्फ से बना हुआ है। वाह, कितना अमेजिंग है। अंदर से पानी आता है। चलो मैं उस पार जाके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर भी जा सकते हैं। ये देखो भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग मैन। चलो यहाँ से चलते हैं। उसके अंदर बहुत ठंडा है। तो चलते हैं यहाँ से। ये ग्लेशियर का नाम हमको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बोट नहीं था। और अगर आप ये ग्लेशियर देखना चाहते हो तो आपको सोनमार्ग टाउन क्रॉस करके आपको राइट लेना पड़ेगा टूवर्ड्स
बालताल बेस कैंप जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होता है, और जब आप वहाँ से जोजिला पास की तरफ जाओगे तब आपको ये ग्लेशियर दिखेगा। व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, वो सब बर्फ है। हम लोग अभी जोजिला पास में आ गए हैं और ये सिर्फ सोनमार्ग से 15 किलोमीटर दूर है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पासेस में से एक है। थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड 11649 फीट। ये रोड पूरा गोल गोल पत्थरों से भरा पड़ा है, ऐसे रोड में चलाने से थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पर रोड का काम चल रहा है और यहाँ पर जोजिला टनल भी बन रहा है जो ये जोजिला पास को बाईपास करेगा। जोजिला टनल पूरा 14 किलोमीटर लंबा होगा और वो एशिया का सबसे बड़ा टनल होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। जब ये टनल बन जाएगा तब कश्मीर से लद्दाख तक का कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि विंटर में यहाँ पर बहुत स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल की वजह से कभी कभी रास्ता बंद रहता है। अभी हम लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। जी पेट्रोल जेरी कैन में हमारी खत्म हो गई पेट्रोल, ऊपर आपके पास पाइप है? नहीं पाइप नहीं, मेरे पास बोतल है, बोतल को काट लेंगे। बोतल नहीं नहीं नहीं, मतलब टैंक से निकालना है, जेरी कैन में तो खत्म कर दिया था। नहीं तेल डालना था, पेट्रोल को भी नहीं मिला और इसमें तो मैंने भरा ही नहीं। पाइप होता तो हम टैंक से दे सकते हैं, अभी हाफ टैंक पेट्रोल है मेरे पास, 35 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं ना। अभी यहाँ ऊपर कितना दूर होगा मेरे ख्याल से जोजिला, 10-15 किलोमीटर होगा ना? नहीं नहीं पेट्रोल पंप तो सोनमर्ग में मिलेगा ना? हाँ हाँ डायरेक्ट सोनमर्ग में। आप कहाँ से आए? बंगाल से, कोलकाता। बड़े मुश्किल होता है बाइक पे, दो बार ही गया कमर में दर्द हो गया। तो वो भाई साहब को थोड़ा पेट्रोल चाहिए था, उसका कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मेरा जेरिकन अभी खाली है तो टैंक से निकाल के देना पड़ा। ऐसा रिमोट एरिया में अगर आपसे कोई हेल्प मांगे तो उसे ज़रूर हेल्प करना, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, मतलब आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। यहाँ का नज़ारे देखो गाइस, वाओ, यहाँ पर चाहे तो आप टेंट भी लगा सकते हो। वेलकम टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। हम लोग अभी कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गए हैं और कारगिल टाउन यहाँ से 84 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हम लोग का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री किया और अभी हम जा रहे हैं कारगिल की तरफ। लाइफ में आपको एक बार लद्दाख ज़रूर आना चाहिए, कमाल का जगह है ये। यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद हम
द्रास टाउन पहुंच जाएंगे। लद्दाख टूरिज्म वेलकम्स यू टू द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। ये सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड है, मतलब दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रिहायशी जगह। यहाँ पर काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह है, यहाँ पर रुक के लंच कर लेते हैं। दनीस रिसोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। और खाना खाने के बाद द्रास में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर हम लोग गए। पहले टैंक में पेट्रोल डाला 780 रुपए का, विच इज 7.40 लीटर्स। फिर हमने जेरिकैन में 527 रुपीज का पेट्रोल डाला, विच इज एग्जैक्टली 5 लीटर्स। फिर हमने जेरिकैन चेक करके देखा कि पेट्रोल 300 से 400 ml कम है। ये बात मैंने उसको बोला और ये भी कहा कि पेट्रोल जेरिकैन से निकाल के एक मेजरिंग कंटेनर में नाप के देने के लिए। फिर उसने बोला कि पेट्रोल पंप में कोई मेजरिंग कंटेनर नहीं है। फिर हमने उससे पेट्रोल पंप ओनर का नंबर मांगा और उनको कॉल किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। सो इफ यू आर कमिंग टू द्रास, देन बी अवेयर ऑफ दिस पेट्रोल पंप। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। आज कोई सिक्योरिटी रीजंस के वजह से यहाँ पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। टाइगर हिल व्यू गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। ये कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास टाउन से 6 किलोमीटर दूर है। ये इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। ये है टाइगर हिल और यहीं पर कारगिल वॉर हुआ था। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये वॉर चला था और इसमें काफी इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए। इंडिया में टोटल 527 ऑफिशियल डेथ टोल था, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और मेजर राजेश सिंह अधिकारी भी शामिल थे। साल 1998 से 1999 तक विंटर सीजन में पाकिस्तान आर्मी ने LOC क्रॉस करके यहाँ पर कुछ जगह कैप्चर कर लिया था और उसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और कैप्चर एरिया को रिकैप्चर किया। आज ये एरिया एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी, नहीं तो आज ये जगह पाकिस्तान के अंदर होता। तो चलते हैं यहाँ से। इंडियन आर्मी ने बहुत बहादुरी से फाइट किया था, हैट्स ऑफ टू देम। इस बार तो कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर नहीं जा पाए, बट नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। कारगिल सिटी यहाँ से जस्ट 10-12 किलोमीटर दूर है। जिस भाई साहब को हमने पेट्रोल दिया था उन्होंने एक गेस्ट हाउस रेकमेंड किया जो कि है कारगिल गेस्ट हाउस और हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मोटरसाइकिल रिलेटेड DIY या ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोज़ लाता रहता हूँ। वेलकम टू कारगिल। हम लोग अभी कारगिल टाउन में हैं। नहीं जी, रूम बुक हो गया, फ़ोन कर रहा है। हाँ, कारगिल गेस्ट हाउस। हाँ हाँ जी, गाइस फाइनली हम लोग रूम पे आ गए हैं। ये एक्चुअली एक गेस्ट हाउस है, कारगिल गेस्ट हाउस, और ये काफी सस्ते में हमको मिल गया। ऑनलाइन दिखा रहा था 1000 के आसपास और ये रूम हमको मिला
600 रुपीज़ में। और अगर आप कारगिल में आ रहे हो तो ये गेस्ट हाउस में आप रुक सकते हो, कल हम लोग यहाँ से ले जाने वाले हैं और ये रूम मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड कीप इट रोलिंग। बाय बाय।